कंसिस्टेंसी ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, मतलब इन शॉर्ट अगर पेपर में ये आ जाए, प्रूव करो जो आपका नॉर्मल करंट होता है वायर में, ये वाला आई करंट, और कैपेसिटर की प्लेट में डिस्प्लेसमेंट करंट, इसका मैग्नीट्यूड बराबर प्रूव करो। तो कैसे करना है ये समझ लो, आई और आई डी बराबर होते हैं इन मैग्नीट्यूड। तो कैसे, आपका बी डॉट डी एल इस लूप में क्या देगा, म्यू नॉट इंटू आई, लेकिन इसके अंदर क्या देगा, कैपेसिटर की प्लेट में म्यू नॉट इंटू आई डी, आई डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये आपने डिस्प्लेसमेंट करंट पुट कर दिया। अब आपको होता है कैपेसिटर की प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या होता है चार्ज बाई एरिया, एरिया लेफ्ट साइड पे आ गया तो ई इंटू एरिया क्या आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है फ्लक्स। अब आपको पता है कि आपने यहाँ फ्लक्स निकाल दिया, तो इस बी डॉट डी एल में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी में फाई की जगह क्या पुट करेंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया जो कट गया इसके साथ, और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है आपका वायर का करंट आई। तो प्रूव हो गया कि आंसर एग्जैक्टली, मतलब इसका जो मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर सेम यही आ गया, म्यू नॉट इनटू आई, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट और आई एक ही बात है। तो ऐसे प्रूव कर दिया। तो ये टर्म आ गई। नेक्स्ट है